हेलो एवरीवन, तो आज हम आपकी जो DTS है, DTS 11 CAM 4x6 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, थर्मोडायनेमिक्स, पीरियोडिक टेबल और एस ब्लॉक। और जो भी क्वेश्चन है उसके आसपास की चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मस्ट वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि भैया निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का निश्चित रूप से उल्लंघन करता है, मतलब उल्लंघन होना ही चाहिए। अब ऊष्मागतिकी का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ये हम जानते हैं कि भैया एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। और एनर्जी कंजर्वेशन में हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये कहता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब डेल्टा ई जो है यहां पर सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी होती है, कुल आंतरिक ऊर्जा होती है। और टोटल इंटरनल एनर्जी, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि भैया अपने पास जैसे जब भी सिस्टम की बात करते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स में, वैसे तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली सिस्टम का मीनिंग अब लेते हैं कि एक गैस होती है अपने पास कंटेनर में, और इस पर जो है वो एक पिस्टन लगा होता है, ठीक है, और इस पिस्टन को ही हम क्या करते हैं, ऊपर या नीचे करते हैं। तो ये अपने पास एक सिस्टम को हम अज्यूम करेंगे कि ये जैसे एक सिस्टम है। अब आपने क्या किया, मान लो इस पर पिस्टन को नीचे किया, तो पिस्टन को नीचे कर रहा हूं तो गैस पर वर्क हो रहा है, यानी सिस्टम पर वर्क हो रहा है, तो डब्ल्यू जो है वो क्या रहेगा, इसका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और मान लो आपने इस सिस्टम को क्यू हीट भी सप्लाई कर दी, तो इसका मतलब गिवन हीट भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हो और उस पर वर्क करते हो, तो भैया जो इंटरनल एनर्जी है ना वो हमेशा इंक्रीज होगी, जो स्टोर एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर किसी भी प्रोसेस के लिए डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि जीरो से ज्यादा है, क्यू की वैल्यू जो है वो भी जीरो से ज्यादा है, इन दिस केस डेल्टा ई जो है वो भी जीरो से ज्यादा ही होगा। ये अपने पास कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, आप फर्स्ट लॉ में ऐसा बोल सकते हो। अब बाकी तो एक एक ऑप्शन अपन चेक करते हैं, देखिएगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है डब्ल्यू, और क्यू जो है वो अपने पास जो है वो लेस देन जीरो है, तो डेल्टा ई जीरो। भैया पॉसिबल है ये चीज, कैसे, कि अगर हम बात करें ना डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करता हूं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करोगे तो उसमें डेल्टा ई गैस के लिए क्या होता है, जीरो होता है। तो इस केस में आप देखोगे क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डब्ल्यू, यानी इनमें से एक पॉजिटिव आएगा दूसरा नेगेटिव आएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो पॉसिबल है अपने पास, ठीक है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट, भैया डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो अगर आप क्या करते हो, पॉजिटिव करते हो, क्यू की वैल्यू नेगेटिव करते हो, तो डेल्टा ई पॉजिटिव हो सकता है। डिपेंड करता है कि भैया इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव वाली वैल्यू ज्यादा है कि नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है। अगर डब्ल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो भैया डेल्टा ई, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा ई भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां पर थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं कि डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है भैया पॉजिटिव है, क्यू ग्रेटर देन जीरो ये भी पॉजिटिव, W भी पॉजिटिव, Q भी पॉजिटिव, तो डेल्टा E भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये मस्ट है। तो भैया डेल्टा E जो है वो यहाँ पर नेगेटिव दे रखा है ना, ये वाला गलत है, ठीक है, ये वाला मामला सेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये गलत है। बाकी जो है वो इनमें से सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, सही है। तो थर्ड वाला जो है वो निश्चित रूप से उल्लंघन करेगा ही करेगा। तो ये हो गया भैया अपना क्वेश्चन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी along two different path 1 and 2. The heat absorbed work done by the system along these paths are Q1, W1 and Q2, W2 respectively. Then, कि भैया एक तंत्र को अवस्था A से अवस्था B तक दो भिन्न भिन्न मार्गों एक तथा दो से ले जाया गया, दोनों मार्गों में अवशोषित ऊष्मा तथा तंत्र द्वारा किया गया कार्य Q1, W1, Q2, W2 है। तो भैया एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्या थर्मोडायनेमिक्स में है ना, आप किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको अप्रोच नहीं लग रही है, आप जो है वो उसमें फर्स्ट लॉ के पास चले जाओ, आप फर्स्ट लॉ को सोचो, फर्स्ट लॉ के बारे में सोचो, आपको वहां से कुछ ना कुछ निकल के जरूर मिलेगा। तो आपको बोल रहा है कि अपने पास कोई सिस्टम है, ठीक है, इसको जो है वो अपन स्टेट ए से, ये स्टेट ए है और ये अपने पास सिस्टम की स्टेट जो है वो क्या है, बी है। तो आप जो है उसको स्टेट ए से बी में लेके गए, लेकिन भैया दो अलग अलग पाथ से आप इसको लेके गए, यानी ए से बी लेके गया। मान लो ये जो है वो अपने पास हो गया पाथ फर्स्ट
और ए से बी लेके गया, मान लो ये अपने पास हो गया भैया पाथ सेकंड, क्लियर है बात। अब आपको ये बोल रहा है कि भैया इन दोनों पाथ में द हीट एब्जॉर्ब, तो हीट एब्जॉर्ब जैसे फर्स्ट वाले में बात कर रहा हूं, तो हीट एब्जॉर्ब कैसा होगा, पॉजिटिव, तो Q1 की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, और बाय द सिस्टम, और सेकंड में भी जो है वो Q2, सेकंड में हीट एब्जॉर्ब जो है Q2 है। और फिर आगे आपको बोल रहा है अलोंग दीज पाथेस पास आर वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, जब भी सिस्टम वर्क करता है तो केमिस्ट्री में हम उसको कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो W1 नेगेटिव होगा और यहां पर W2 जो है वो भी अपने पास कैसा होगा भैया, नेगेटिव। तो ये कंडीशन आपको दे रखी है। अब देखना कि भैया जब A से B में जाएंगे तो हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E, तो डेल्टा E जो है वो क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। अच्छा एक चीज और यहां पर जो है ना, छोटा सा मैं आपको पॉइंट बता देता हूं कि इंटरनल एनर्जी E इज स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ठीक है, E इज स्टेट फंक्शन, दैट डेल्टा E विल बी पाथ इंडिपेंडेंट, डेल्टा E विल बी पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, कि अगर E स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा E की वैल्यू जो है ना वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यानी आप चाहे इस फर्स्ट पाथ से चले जाओ चाहे सेकंड पाथ से चले जाओ, डेल्टा E तो सेम ही रहेगा। तो मैं बोलूंगा देखना जरा, मान लो इस केस में जो है वो डेल्टा E1 है और इस केस में डेल्टा E2 है, तो डेल्टा E1 अभी फर्स्ट लॉ में मैंने आपको बताया था क्या होता है, डेल्टा E Q प्लस W होता है, तो यहां पर तो मैं बोलूंगा Q1, और W इज नेगेटिव है तो भैया Q1 माइनस W1, और डेल्टा E जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा, Q2 माइनस W2, और क्योंकि भैया ये जो है वो क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है, तो दोनों ही केस में डेल्टा E1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा E2, तो Q1 माइनस W1 विल बी इक्वल टू Q2 माइनस W2, दिस विल बी द करेक्ट रिलेशन, ओके, मींस ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट, ठीक है। तो ये था भैया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ आइडियल गैस विल हैव द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर Cp माइनस Cv, ठीक है भैया, कि किस प्रकार की आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv का मान अधिकतम होगा। भैया देखो, हम जानते हैं कि जो मेयर्स फॉर्मूला होता है, मेयर्स फॉर्मूला, वो हम क्या बोलते हैं, मेयर फॉर्मूला क्या होता है भैया, पढ़ा होगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये अपने पास मेयर फॉर्मूला होता है, ठीक है, और इससे आपको पूछा भी क्या है, आपको जो है वो इससे Cp माइनस Cv के बारे में पूछा है कि Cp माइनस Cv का मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो भैया आप देखो जरा कि Cp माइनस Cv चाहे कोई भी गैस हो, गैस कोई भी हो, चाहे मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, चाहे पॉली एटॉमिक हो, Cp माइनस Cv हमेशा R के ही बराबर रहेगा, है ना, कि भैया अगर ये एटोमिसिटी पर डिपेंड करता तो इस एक्सप्रेशन में गामा आना चाहिए था, जिसको हम पॉइजन कोफिशिएंट बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन में गामा आना चाहिए था, गामा पॉली एटॉमिक के लिए कितना होता है, 4/3 होता है, डाई एटॉमिक के लिए जो है वो अपन कितना बताते हैं, 7/5 बताते हैं, तो यहां पर गामा आना चाहिए था, लेकिन इस एक्सप्रेशन में गामा नहीं, इसका मतलब ये एटॉमिसिटी पर डिपेंड ही नहीं करेगा। आर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ आर की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, एक ही रहेगी, इसलिए ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो जितनी भी गैसेज है उन सब के लिए सीपी माइनस सीवी हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, फोर्थ है कि द वैल्यू ऑफ एन वन प्लस एन टू एंड एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर फॉर एच ई प्लस आयन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर 4 and 8 रेस्पेक्टिवली, द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन टू टू एन वन इज, देखिएगा कि आपको जो है वो एमिटेड फोटोन की हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो दो ऑर्बिट दो कक्षाओं के बीच में जो है वो ऐसे ऊपर से नीचे आता है तो क्या करेगा, दोनों के एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, और ये जो फोटोन होगा इसकी वेवलेंथ जो है वो हम कुछ ऐसे निकालते हैं, एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर, और ये होता है 1/r और ये जेड स्क्वायर, तो इस तरीके से हम वेवलेंथ निकालते हैं, ठीक है। आपके पास वेवलेंथ निकालने का जो है वो ये भी तरीका हो सकता है, 1/λ और आर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, आप इससे भी जो है वो निकाल सकते हो, यहाँ पर 1/λ आएगा, वहां से डायरेक्टली लेमडा आ जाएगा। तो लेमडा निकालना है तो इसके लिए पहले मेरे को n1 n2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो दो इक्वेशन दी है, एक तो है n2 plus n1 is equal to 4
और सेकेंड इक्वेशन है एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसको जो है वो मैं ऐसे लिख सकता हूं एन टू प्लस एन वन और ये हो जाएगा एन टू माइनस एन वन इज इक्वल टू कितना 8, ठीक है। और इस केस में आप ऐसा बोल सकते हो क्योंकि एन टू प्लस एन वन की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है 4 और ये आ जाएगा भैया एन टू माइनस एन वन इज इक्वल टू 8, तो एन टू माइनस एन वन की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। तो अब दो इक्वेशन बन गई है, एक तो है एन टू प्लस एन वन इज इक्वल टू 4 और एक है एन टू माइनस एन वन इज इक्वल टू कितना आया 2। तो मेरे ख्याल से आंसर जो है वो आपको दिख गया होगा। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एन वन की वैल्यू जो है ये आ जाएगी कितनी 1 और एन टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो खत्म बात, मैं बोलूंगा क्या लेमडा इज इक्वल टू एन वन स्क्वायर, एन टू स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर आर और ये जेड हीलियम के लिए आपको बोल रखा है, तो हीलियम के लिए जो है वो जेड कितना होता है 2, तो 2 स्क्वायर 4, तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी अपने पास कितनी 9/8 और ये कितना आ जाएगा 32 आर एच, ठीक है, या आर, ठीक है। तो अपना आंसर जो है कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना है Which of the following sets of quantum number represent the highest energy of an atom? Quantum संख्याओं का कौन सा समुच्चय एक परमाणु की उच्चतम ऊर्जा को प्रदर्शित करता है? तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि भैया जो क्वांटम संख्या परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है किसी भी कक्षा में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की एनर्जी जो होती है अपने पास, ये जो है वो डिपेंड करती है भैया एन प्लस एल पर, ठीक है। कि n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होती है तो हम बोलते हैं कि उस केस में एनर्जी जो है वो क्या होती है ज्यादा होती है, n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। अगर मान लो आपके पास दो कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिनमें n प्लस एल जो है वो इक्वल आ रहा है, तो अगर n प्लस एल इक्वल हो तो इस केस में n की वैल्यू चेक करी जाती है, n ज्यादा होता है वहां पर हम बोलते हैं एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये तो आया भैया जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनके लिए, लेकिन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है हाइड्रोजन लाइक एटम जिनको बोलते हैं अपन हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जो एनर्जी है एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एन, तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एनर्जी जो है वो केवल और केवल एन पर डिपेंड करता है, वहां पर एन प्लस एल पर डिपेंड नहीं करता, जैसे हाइड्रोजन हो गया एच प्लस हो गया, तो अब इसमें जो है वो कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हम इसको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही मानेंगे। तो n प्लस एल रूल चेक कर लो, तो यहाँ पर n प्लस एल को चेक करोगे तो कितना आएगा भैया 4, यहाँ n प्लस एल को चेक करोगे कितना आएगा 3, n प्लस एल को चेक करोगे कितना आएगा 4, n प्लस एल को चेक करोगे कितना आएगा 5 आएगा। तो n प्लस एल जो है वो ज्यादा है तो वहां पर एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये 1 kW रेडियो ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स at a frequency of 880 kHz, how many quanta per second does it emit? कि 1 kW का रेडियो ट्रांजिस्टर 880 kHz की आवृत्ति पर कार्य करता है तो यह प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित करेगा? अब यह क्वेश्चन समझने के लिए भैया हम प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि किसी भी फोटोन की जो अपने पास एनर्जी होती है, कोई भी फोटोन हो, तो किसी भी फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, ये अपने पास जो है वो बेसिकली हम बोलते हैं कि प्रोपोर्शन होती है किसके, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ये प्रोपोर्शन होता है किसके फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। और यहां से जब अपन इसको हटाते हैं तो हम क्या बोलेंगे E is equal to क्या आएगा h nu आएगा, या फिर जो है वो न्यू आपको पता ही है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन लैम्डा, तो E is equal to जो है वो अपने पास आता है hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये जो है पहले आपको पावर को समझना पड़ेगा क्वेश्चन को समझने से पहले, तो ये जो है ये आई है भैया एक फोटोन की एनर्जी, दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है, ये अपने पास एक फोटोन की एनर्जी इतनी, ठीक है ना। अब देखो पावर क्या होती है, तो पावर जो है वो अपन बोलते हैं
पावर अपने पास होता भी है E by T, ठीक है, कि बेसिकली जो है पर सेकंड जितनी एनर्जी रिलीज होती है या कंज्यूम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अब मान लो हमारे पास जो है वो कोई सोर्स है, ठीक है, तो उस सोर्स के लिए मैं कंडीशन ले रहा हूं, इफ ए सोर्स एमिट्स एन फोटोन्स फोटोन्स इन टी सेकेंड, ठीक है, कोई सोर्स है जो टी सेकेंड में एन फोटोन एमिट कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो है वो टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन टी सेकेंड, तो टी सेकेंड में टोटल एनर्जी जो है वो कितनी रिलीज करेगा वो, तो भैया एक फोटोन की एनर्जी जो है वो एच सी अपॉन लैम्डा से देते हैं, तो टी सेकेंड में एन फोटोन रिलीज कर रहा है तो ये आ जाएगा एन एच सी अपॉन लैम्डा। तो कोई भी सोर्स है वो टी सेकेंड में अगर एन फोटोन रिलीज कर रहा है तो उस टोटल एनर्जी जो है वो इतनी रिलीज करेगा, और अगर इतनी जो है वो टोटल एनर्जी आ रही है तो इस केस में जो है मैं बोलूंगा एक सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, वन सेकंड में, तो एक सेकंड में रिलीज एनर्जी जो है वो अपने पास हो जाएगी एन बाई टी एच सी अपॉन लैम्डा, और ये जो एन बाई टी है यही अपने पास आता है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ठीक है, यही अपने पास एक सेकेंड में फोटोन आते हैं, तो इसको जो है वो अगर मैं एनटी से इंडिकेट करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास जो है वो ओवरऑल क्या चीज निकल के आएगी कि भैया देखो जरा एक सेकंड में जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई उसी को पावर बोलते हैं, तो पावर इज इक्वल टू निकल के आएगा भैया एनटी एच सी बाय लैम्डा, ये कंसेप्ट, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो पावर इज इक्वल टू एनटी एच नी, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकाल लेते तो एनटी की वैल्यू निकाल लेती तो पावर अपॉन एच न्यू, ये मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकल के आएंगे। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन अभी अपन ने देखा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि भैया प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित करेगा, तो एन टी इक्वल टू पावर कितना दे रखा है आपको, पावर जो है 1 किलो वाट दे रखा है, तो किलो का मतलब है 1000, ठीक है, डिवाइड बाय एच, तो एच की वैल्यू आपको पता ही है 6.6 × 10⁻³, और न्यू की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 880 किलो, अगेन किलो, आप यूनिट कन्वर्जन का खास ध्यान में रखें नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये अपने पास एग्जैक्टली आएगा 1.71 × 10⁻³ फोटॉन्स, यानी कि ये जो सोर्स है ये एक सेकंड में इतने फोटोन रिलीज करेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यूजिंग बॉन्ड एनर्जी डेटा कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है, आपको जो है वो आइसोप्रीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, ये आइसोप्रीन दे रखा है, गिवन बॉन्ड एनर्जी आपको सी एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, एच एच बॉन्ड की दे रखी है, सी सी बॉन्ड की, इन सब की बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन है, ठीक है, और आपको क्या करना है बॉन्ड एनर्जी से हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो देखना, तो इस क्वेश्चन में आपको जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन पूछा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन को समझना होगा। देखना कि हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हम क्या बोलते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हम बोलते हैं हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे कि आपको आइसोप्रीन दिया है, ठीक है, तो अगर आप इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना चाहते हो या हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखना चाहते हो, ठीक है ना, अगर आप इसके लिए, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन का जिक्र कर रहा है, तो अगर आप इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखना चाहते हो तो आपको इसको 1 मोल बनाना पड़ेगा, इसके 1 मोल का फॉर्मेशन करो, और किससे करो, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन से करो और इनकी थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से करो, तो हाइड्रोजन की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट होती है अपने पास हाइड्रोजन गैस, कार्बन की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट होता है भी कार्बन सॉलिड या कार्बन ग्रेफाइट, तो यहां पर जो है वो कार्बन सॉलिड लूंगा, और इसके जो है मेरे को 5 कार्बन लेने पड़ेंगे, हाइड्रोजन टोटल उधर 8 है, तो 4 मेरे को H2 की जरूरत पड़ेगी, क्लियर बात। अब देखना जरा कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जितनी भी हीट इन्वॉल्व है, जितनी भी हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो ही अपने पास हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन के इक्वल होगी, मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्लियर है बात। अब देखना कि भैया आपको जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है, ये सारे डेटा बॉन्ड एनर्जी के लिए, और नीचे आपको एक डेटा और गिवन है कि कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस, ठीक है,
अब बॉन्ड एनर्जी की टर्म में किसी भी रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं हमेशा क्या, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी की टर्म में जब भी आपको हीट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो तो आप क्या करोगे, टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन एक चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए कि बॉन्ड एनर्जी हमेशा केवल और केवल गैसीय स्टेट के लिए डिफाइन होती है, यानी कि सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है अपने पास एक रिएक्शन में वो सारे के सारे गैसीय स्टेट में होने चाहिए। यहां पर ये कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में, तो पहले इसको गैसीय स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। तो आपको जो डेटा दिया है कि कार्बन सॉलिड को कार्बन जब गैस में आप चेंज करोगे तो भैया इसके लिए आपको जो है वो कितनी हीट देनी पड़ेगी, 171 किलो कैलोरी हीट जो है वो आपको देनी पड़ेगी। तो भैया 171 किलो कैलोरी हीट देने पड़ेगी। यहां पर मेरे पास जो है ना वो पांच कार्बन सॉलिड है, तो इस रिएक्शन को आपको पांच से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि मैं कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस से रिप्लेस करना चाहता हूं। तो जब रिएक्शन मल्टीप्लाई होती है तो हम बोलते हैं भैया सेम डिजिट से जो है वो अपना हीट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो इस रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं, तो रिवर्स करूंगा तो 5 कार्बन गैस और ये 5 कार्बन सॉलिड, और इसके लिए डेल्टा एच ओवरऑल मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 855। ये 55 है, 855, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आया। अब मैं इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को दोनों को आपस में क्या कर दूं, ऐड कर देता हूं। तो जब दोनों को मैं आपस में जोड़ूंगा तो ये हुआ कैंसिल, तो हमारे पास रिएक्शन आ गई 5 कार्बन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू CH2 डबल बॉन्ड C और ये CH3 और ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड और ये CH2। ये बाई मिस्टेक मैंने CH3 लिख दिया, ये CH2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ओवरऑल इक्वेशन आ गई। अब इस रिएक्शन के लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो मैं कैसे लिखूंगा, तो भैया देखना इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन जो थी वो पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन के इक्वल थी, और जब दो रिएक्शन को हम ऐड करते हैं तो इनका डेल्टा एच जो होता है एंथैल्पी उसको भी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में आपने रूल्स पढ़े होंगे, तो ये आ जाएगा -855। तो भैया इस रिएक्शन में जो है ना वो टोटल कितनी हीट क्या होने वाली है आपको, रिलीज या एब्जॉर्ब होने वाली है, ठीक है। रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी तो फाइनल आ जाएगा, जो भी अपन डेटा रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आ ही जाएगा। तो अब देखना कि ये इस रिएक्शन के लिए जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन है, और अगर हीट ऑफ रिएक्शन को आप जो है वो क्या करोगे, इसी हीट ऑफ रिएक्शन को बॉन्ड एंथैल्पी की टर्म में लिखोगे तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखना हीट ऑफ रिएक्शन के लिए तो मेरे पास आया डेल्टा एच एफ ऑफ आइसोप्रीन -855 इज इक्वल टू। अब भैया देखो कार्बन गैस यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, इधर जो है वो बॉन्ड है 4, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड माइनस, फिर देखो ये तो हो गया टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की साइड जो है वो कितने बॉन्ड है, दो तो अपने पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, एक और एक ही, फिर दो मेरे पास जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर जो है वो मेरे पास इसमें टोटल 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो प्लस 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये लो जी आपको जो है वो सारे डेटा क्वेश्चन में गिवन है, आप ध्यान से देखना कौन कौन से डेटा गिवन है। कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी आपको दे रखी है 104, ठीक है, फिर जो है वो आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है कितनी, 147, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एंथैल्पी 83 दे रखी है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी 98.8 दे रखी है। तो सारे डेटा आप पुट करो तो डेल्टा एचएफ यहां से निकल के आएगा अपने पास एग्जैक्टली डेल्टा एचएफ ऑफ आइसोप्रीन, ये आएगा भैया 20.6, ठीक है ना, एग्जैक्टली आंसर आ रहा है क्योंकि सॉल्व किया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर जो है वो इसमें आंसर नंबर सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को ठीक से समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिएक्शन फॉर विच डेल्टा एच इज इक्वल टू -11 पॉइंट डेल्टा एच, आपको दे रखा है एंथैल्पी -11.7 किलो जूल पर मोल के लिए, एंड डेल्टा एस, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू -105 जूल केल्विन इनवर्स और ये मोल इनवर्स। आपको बोला है कि वुड बी स्पॉन्टेनियस व्हेन टेम्परेचर इज, तो रिएक्शन जो है वो कौन से टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस हो, तो आपको याद हो तो आप याद करो भैया गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हम क्या बोलते हैं, जो मॉडर्न स्पॉन्टेनिटी की डेफिनेशन है, हम ये बोलते हैं कि किसी भी प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू, ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है।
अब भैया इसको जो है वो डेल्टा जी नेगेटिव होने पर स्पॉन्टेनियस ही क्यों होता है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, कभी मिलोगे तो मैं बता दूंगा क्यों होता है। और जैसे हम बोलते हैं डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता है तो उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी जो है वो किसी प्रोसेस के लिए जीरो आता है तो हम बोलते हैं रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर होती है। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए जो कंडीशन है वो अपने पास ये होनी चाहिए कि डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए, यानी डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो, ठीक। और हमें पता है कि भैया डेल्टा जी इज इक्वल टू, रिलेशन क्या कहता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्लियर है बात। यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस शुड बी लेस देन जीरो। इन दिस केस यू कैन से डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, और यहां पर टेम्परेचर जब निकल के आएगा तो टेम्परेचर जो है वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो आपको माइनस 11.7 किलो यानी 1000, और फिर जो है वो नीचे जो है वो माइनस 105 जूल दे रखा है, और ये जो है वो टेम्परेचर इससे ज्यादा आना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो ये 10111.4 और ये अपने पास वैल्यू निकल के आएगी। तो टेम्परेचर जो है ना वो अपने पास 111.4 से क्या आना चाहिए, ज्यादा ही आना चाहिए। तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 111.4, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 C2H6 C2H4 एंड C2H2R -2, ये आपको डेटा गिवन है, रेस्पेक्टिवली एट द सेम टेम्परेचर द बेस्ट फ्यूल अमंग दीज गैसेस इज, तो इन गैसों में से सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा होगा। तो भैया ये प्रेडिक्ट करने के लिए आपको जो है वो इसके लिए देखो, कोई भी फ्यूल होता है कौन सा फ्यूल अच्छा है कौन सा फ्यूल जो है वो अच्छा नहीं है या कम अच्छा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, सीवी निकालते हैं। और सीवी निकालने का तरीका हम ये बताते हैं भैया, सीवी इज इक्वल टू अपने पास होता है हीट ऑफ कंबशन और नीचे जो है वो मॉलिकुलर वेट, यानी कि एक्चुअल में सीवी जो है वो होता क्या है अपने पास कि पर ग्राम, उस फ्यूल का पर ग्राम आपको कितनी हीट प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो पर ग्राम जितनी हीट प्रोड्यूस, पर ग्राम प्रोड्यूस हीट जिसके लिए ज्यादा होगी हम बोलेंगे वो बढ़िया फ्यूल होगा, जिसके लिए सीवी की वैल्यू ज्यादा होती है वो मस्त फ्यूल होता है। तो अब इस केस में जो आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो CH4 दे रखा है, एक आपको C2H6 दे रखा है, एक आपको C2H4 दे रखा है, और एक आपको C2H2 दे रखा है, ये सारी चीजें आपको गिवन है। तो भैया CH4 के लिए हीट, अच्छा यहाँ पर जो है केवल अपन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हीट ऑफ कंबशन की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 212.8 अपॉन इसका कितना 16, ये अपने पास आ जाएगा कितना 373 अपॉन ये कितना हो जाएगा 30, और फिर ये अपने पास आ जाएगा 337 अपॉन ये कितना हो जाएगा 28, और ये अपने पास आ जाएगा कितना 310.5 अपॉन और ये अपने पास आ जाएगा कितना 26, ठीक है। तो ये अपने पास जो है सबकी कैलोरीफिक वैल्यू आ गई। आप यहाँ पर देखो कि ये वाली सीवी जो है सबसे ज्यादा आ रही है ना, तो साफ दिख रहा है ये सबसे ज्यादा है, तो सबसे बढ़िया फ्यूल कौन सा है, CH4 जो है वो सबसे अच्छा फ्यूल होगा। तो ये है भैया कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, देखो जरा कि फॉलोइंग 1 डिग्री एमाइन हैज कायरल कार्बन एज इंडिकेटेड, अच्छा इसमें कायरल कार्बन, दिस ऑन रिएक्शन विद NaNO2 प्लस HCl फॉर्म्स, भैया NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन जो होगी, देखो जरा कि NaNO2, अब ये कई केस है अपने पास यहाँ पर जो है, जैसे अगर आप एरोमेटिक एमीन लेते हो यहाँ पर है ना, जैसे आप अगर NaNO2 HCl, याद करो वो दिन जब आपको जो है क्लास में ये रिएक्शन बताई होगी, एरोमेटिक एमीन लेते हो साथ में जो है वो यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl लेते हो, या आप HNO2 भी ले सकते हो, टेम्परेचर आप जो है वो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हो हा? तो भैया इस केस में जो है वो रिएक्शन को हम डाई एजोटाइजेशन बोलते हैं, और हमारे पास यहाँ पर तो क्या होता है, डाई एजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये डाई एजोनियम सॉल्ट अपने पास बनता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई एलिफेटिक एमीन होती है तो वो अलग तरीके से रिएक्शन करती है, कि कोई भी अपने पास जो है वो एलिफेटिक एमीन है, जैसे ये अपने पास कोई एमीन है, ठीक है। तो भैया ये जो है वो रिएक्शन कैसे करेगी, तो HNO2 या फिर NaNO2 और ये HCl, आपको पता ही है कि मीडियम जो है वो कैसा है, पोलर है और प्रोटिक है, तो रिएक्शन में जो है वो क्या बनने वाला, कार्बोकेटाइन बनेगा।
और भैया कार्बोकेटाइन बनेगा तो अपने पास जो हो सबसे पहले ये कार्बोकेटाइन बना, ये वाले भाई साहब जो रीअरेंज भी करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो फाइनल जो है वो प्रोडक्ट जो है वो रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा और जो है वो क्या बनता है इसमें एल्कोहल बनता है। रिएक्शन को आप डायरेक्टली जो ऐसे भी समझ सकते हो, देखना कि आर सी एच टू और ये जो है वो एन एच टू और ये दोनों जो है एक्चुअल में मिलकर आपको क्या देंगे HNO2 देंगे, तो ये अपने पास जो है वो HNO2, ठीक है। तो डायरेक्टली रिएक्शन को आप ऐसे भी कर सकते हो, ये N2 बाहर, ये H2O बाहर और ये अपने पास हो गया क्या RCH2 और ये OH। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि रिएक्शन जो है वो कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन से होकर गुजरती है। तो इस स्थिति में जो आपको पिछले वाला कंपाउंड दिया है, ये वाला जो कंपाउंड दिया है, हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं इसमें कार्बोकेटाइन तो नहीं बन रहा है। तो अगर इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है और अगर वो रीअरेंज हो रहा है, नीचे फिनाइल दे रखा है, ऊपर CH3 दे रखा है और ये NH2। अच्छा जी, ये देखना ये काइरल है, तो अब इसमें कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, लेकिन भैया ये रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो है ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, ये स्टेबल है, रीअरेंज होगा नहीं। तो अल्कोहल जब बनेगा ना तो हमारे पास ये अल्कोहल बनेगा, ये देखिएगा ये अल्कोहल बनेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा पीएच और ये ओएच, यानी अल्कोहल बना एक तो 2 डिग्री अल्कोहल। फिर इसमें जो काइरल, इसकी काइरलिटी जो है वो बरकरार रहेगी एज इट इज रहेगी और काइरल कार्बन अभी भी है, तो ये अल्कोहल जो है, क्योंकि हमें पता है कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है, तो इसमें जो है वो ये अपना मिरर इमेज भी बनाए लेगा। तो D और L 50% जो है वो इसमें D बनेगा और 50% इसमें क्या बनेगा L बनेगा। तो इस स्थिति में जो है वो ये क्या बनेगा भाई, रेसिमिक मिक्सचर ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्लियर है बात? तो ये है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल शो कार्बिल एमीन रिएक्शन। अच्छी रिएक्शन है भैया, कार्बिल एमीन रिएक्शन या जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, है ना, सुना होगा। किसका करेक्टरिस्टिक होता है, जो 1 डिग्री एमाइन होते हैं ना उनका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कार्बिल एमीन टेस्ट, और जो एनिलीन है वो भी कार्बिल एमीन टेस्ट देता है। उसमें जो है मेरे ख्याल से आपको बताने की ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको इनमें से 1 डिग्री एमाइन सिलेक्ट करनी है। ये है भैया क्वेश्चन नंबर अपने पास 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने पास एक क्वेश्चन है और इसको समझने की आपको शायद जरूरत पड़ जाए, वैसे तो आप होशियार हो, आता होगा आपको। ए मिक्सचर, एक मिक्सचर दिया है, किस किस का भैया, एक तो ये वाला एमाइड है, एक इसमें जो है वो नाइट्रोजन की लेबलिंग कर दी 15 से, वाज सब्जेक्टेड टू होफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, द प्रोडक्ट आर ऑलवेज ए मिक्सचर ऑफ दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड। मतलब यह है कि इसमें जो है CO गायब कर दिया और प्रोडक्ट जो बना है ना वो NH2 डायरेक्टली इस पर जोड़ा है, यानी कि D वाले के साथ जो नॉर्मल NH2 है वो लगाया गया है और जो 15 वाला जो है वो इसी के साथ लगाया गया, तो ये जो है दो कंपाउंड आपको मिल रहे हैं। Nobody could ever report the formation of even the trace of the mixture of this and this, यानी कि अपोजिट संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, किसी ने भी ये चीज ऑब्जर्व नहीं करी है अब तक कि भैया ये वाला 15 वाला नाइट्रोजन इधर आ जाए डी के साथ और ये वाला नाइट्रोजन इधर चला जाए, ऐसा जो है वो किसी ने भी नहीं देखा है। तो इसका रीजन पूछ रहा है क्यों भाई ऐसा क्यों ऑब्जर्व नहीं हुआ अब तक, तो देखना कि भैया इसका रीजन जो है ना वो आप पहले होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन को समझो कि होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में हम क्या करते हैं आर सी ओ और ये अपने पास क्या है एनएच टू, ठीक है। तो ये अपने पास जो है वो एमाइड होता है, रिएक्शन जो है वो ब्रोमामाइड रिएक्शन में आपको पता ही है कि भैया बी आर टू प्लस साथ में जो है वो क्या लेते हैं कोई बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH KOH टाइप। तो यहाँ पर जब बेस के साथ रिएक्शन होगी और इस हाइड्रोजन के बारे में आपको पता ही है कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो कैसा है, दो हाइड्रोजन है यहाँ पर और दोनों के दोनों जो है वो कैसे हैं क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़े हैं तो एसिडिक नेचर की है, और भैया जब भी रिएक्शन होती है तो एसिड बेस रिएक्शन जो है वो होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है सबसे पहले। तो ये क्या करेगा, इस H को यहाँ से क्या करेगा हटाएगा, तो हमारे पास जो है ये वाला बना, ठीक है। और फिर जो है वो आपने क्या ले रखा है इसमें साथ में बी आर टू डाल रखा है, तो अब ये वाले भाई साहब जो है वो ब्रोमीन पर अटैक करेंगे, तो ये नाइट्रोजन अटैक किया यहाँ से जो है बी आर क्या हो गया बाहर, तो हमारे पास जो ओवरऑल ये वाला एक कंपाउंड बना, ठीक है। अब आगे जो है ये रिएक्शन जो है इसमें होता है रीअरेंजमेंट, ठीक, रीअरेंज होगा तो यहां से जो है वो लोन पेयर यहां पर और ये वाला आर अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा और यहां से जो है बी आर माइनस क्या हो जाएगा बाहर, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आ गई सी ओ यहाँ डबल बॉन्ड एन और ये एच और ये आर और ये नाइट्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन जो है वो अपने लोन पेयर को वापस से खींच लेगा यहाँ से इसको और हमारे पास जो ओवरऑल ये रिएक्शन आएगी, ठीक है, एन आर ये रिएक्शन बनी एन एल्किल आइसोसाइनेट, ठीक है। अब देखना कि ये जो भी रीअरेंजमेंट हुआ है ना
ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुआ, यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हुआ, और इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होने की वजह से अगर आप दो एमाइड का मिक्सचर भी ले लोगे, ठीक है ना, अगर आप मान लो दो एमाइड का यहां पर नाइट्रोजन 15 वाला ले लिया, दो एमाइड का मिक्सचर भी ले लोगे, तो ये इसका आर जो है वो इसी नाइट्रोजन पर जाएगा, इसका आर उठ के जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ नहीं आएगा, ये है भी। तो यहां पर जो है वो होता क्या भैया, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की वजह से जो है वो अपने पास ऐसा होता है। तो भैया इसमें जो है वो हॉफमैन रीअरेंजमेंट इज इंट्रामॉलिक्यूलर, हॉफमैन रीअरेंजमेंट इज इंट्रामॉलिक्यूलर, बिल्कुल। रीअरेंजमेंट जो है वो स्लोली होता है या फास्ट होता है भैया, इससे कोई मतलब नहीं है, सब बकवास है। नेक्स्ट जो है वो अपन बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल सी रिएक्शन है एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की, ठीक है ना। तो भैया देखो जरा कि आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लोन पेयर है, तो ये अपना न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, जहां इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, जहां पोलरिटी दिखेगी, और पोलरिटी इसको कहाँ दिख रही है भैया, सबसे ज्यादा पोलर ये वाला ग्रुप जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर अटैक करवा दो। तो ये लो जी, मैंने अटैक करवा दिया, हमारे पास जो है कंपाउंड कुछ ऐसा है, ये CH3, और ये लो ये अपने पास कंपाउंड हो गया, रिएक्शन जो है वो मैं करवा रहा हूँ किसके साथ, CH3NH2। तो ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ जाएगा, जहाँ पॉजिटिव दिखेगा, यहाँ दिख रहा है ये वाला बॉन्ड, इधर शिफ्ट होगा। तो हमारे पास जो है वो रिएक्शन में सबसे पहले कुछ ये हुआ है, यहाँ पर तो CH3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो O-, और यहाँ पर आया भैया NH, और ये H इस पर आएगा पॉजिटिव, और ये आ जाएगा भैया CH3। अब ये वाला बॉन्ड जब यहाँ जाएगा तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन रहा है, क्योंकि लिविंग ग्रुप है, और इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक भी है, तो ये जो है वो तुरंत इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, यहाँ से कैप्चर कर लेगा, और हमारे पास जो है वो ये वाला कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा OH, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो यहाँ आ जाएगा NH और ये CH3, ठीक है। तो ओवरऑल ये कंपाउंड बनेगा। अब कई बार जो है ना, अब इसमें जो डिजाइन में दिक्कत आ जाती है कुछ लोगों, भैया डिजाइन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो इसका IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर लो, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, और 5 कार्बन की चेन बनानी है, खत्म बात। ये लो जी 5 कार्बन की चेन, 1, 2, 3, 4, 5, एक नंबर कार्बन पर जो है वो आपको CO लगाना है, ये CO पर जो है वो NH और CH3 जुड़ा है, ये लो जी, तो 1, 2, 3 एंड 4, 4 पर OH जुड़ा है, और एक ये फिर अपने पास आ जाएगा CH3, ये 5, ठीक है, 3, 4 एंड 5। तो ये अपने पास कुछ इसी से मिलता जुलता कंपाउंड जो है बनना चाहिए, इसी से मिलता जुलता कंपाउंड जो है वो एक ही दिख रहा है मेरे को, कौन सा, थर्ड वाला, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। आई होप आपने ये क्वेश्चन ठीक से समझा होगा, आपका गलत भी नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 14 भैया, NCERT के लाइन, पूरा पेपर जो है वो अपना NCERT बेस्ड है, ठीक है। तो क्वासी और कोर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो भैया क्वासी और कोर जो होता है ना, ये याद ही रखना पड़ेगा, कहाँ आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके जो है वो अपन बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर, जिसमें वाइटामिन्स, एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वाला सेक्शन जो दे रखा है एमिनो एसिड वाला, उसी के नीचे जो है वो आपको मिलेगा। ये एसेंशियल एमिनो एसिड की वजह से होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ना कि कुपोषण की वजह से जो है वो डेफिशिएंसी होती है, जो है वो कुपोषण की वजह से ये बेसिकली रोग होता है, और कुपोषण में भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स की वजह से ये रोग होता है। तो इसमें समझाने वाली कोई चीज है नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिएजेंट, ठीक है, BR2 वाटर टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, व्हिच रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एल्डोज एंड कीटोज, ठीक है भैया। आपको जो है वो क्या करना है, एल्डोज और कीटोज को डिस्टिंक्ट करना है, दोनों को जो है वो हम आसानी से पहचान सके, आपको ऐसा कोई काम करना है, इसके लिए कौन कौन सा रिएजेंट इनके लिए इनमें से सूटेबल है, बेसिकली आपको ये पूछना चाहता है। तो आप समझो इसको कि भैया देखना कि एल्डोज के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, अपने पास जो है वो जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो एक एल्डोज शुगर है, और फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज जो है वो एक कीटोज शुगर है। तो ग्लूकोज के केस में स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता ही होगा, है ना, एल्डोज एल्डिहाइड की प्रेजेंस की वजह से इसको एल्डोज बोलते हैं, एच ओ एच, और ये आ गया ओ एच 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 ओ एच एच ओ एच, और यहाँ पर आ जाएगा भैया CH2 और ये OH, ठीक है, ये तो एल्डोज। और अगर फ्रक्टोज को देखें तो फ्रक्टोज जो है वो अपने पास क्या होता है, कीटोज होता है, तो CH2OH C डबल बॉन्ड O, और फिर ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा भैया CH2OH OH H H OH और ये H और ये OH, ठीक है। तो अब देखना कि भैया किसको जो है वो अपन डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, पहला है ब्रोमीन वाटर, ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर जो है ना
अगर इसकी बात करें तो ब्रोमीन वाटर का मतलब है अपने पास Br2+H2। तो ये जो है मिक्सर आपको क्या देता है भैया, HOBr देता है। और HOBr का जो मिक्सर है आपको पता है क्या होता है, वीकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन भैया ये जो है वो यहाँ पर इसको ऑक्सीडाइज आगे नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आप क्या कर सकते हो, इनको डिस्ट्रिक्ट कर सकते हो बीआर वाटर से। टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, भैया हम बोलते हैं एक तो हमारे पास होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर जो है वो जो टोलेंस रिएजेंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, है ना। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो टोलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है। तो इस स्थिति में आपको पता है ये दोनों के दोनों मोनोसेकेराइड है। लगभग जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो भैया ये जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये दोनों के दोनों टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। अब ये भी रिड्यूस करेगा और वो भी रिड्यूस करेगा, तो हम जो है वो दोनों को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे। तो केवल और केवल फर्स्ट ऐसा है जिससे हम क्या करेंगे, दोनों को डिस्टिंक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन को ठीक से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, प्रोटीन्स आर पॉलीअमाइड्स फ्रॉम एमिनो एसिड। बिल्कुल भैया एनसीईआरटी की लाइन है कि प्रोटीन जो है वो अल्फा एमिनो एसिड के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। बहुत सारे अपने पास जो अल्फा एमिनो एसिड है वो लगातार क्या करते हैं भैया, एमाइड लिंकेज से कंटिन्यूसली जो है वो एक के साथ दूसरा जो है वो जुड़ता चला जाता है और पूरा प्रोटीन चेन अपने पास बनता है, ठीक है। तो पहला सही है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर एमिनो एसिड शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। बिल्कुल भैया ऑप्टिकली एक्टिविटी हम एमिनो एसिड में बोलते ही यही है। देखना जरा कि ये वाला काइरल कार्बन, ये अल्फा एमिनो एसिड सारे के सारे जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, आर की जगह अगर एच कर दो तो इसको छोड़कर बाकी सारे जो है वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो नेचुरल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एल आइसोमर। बिल्कुल देखो ये एमिनो एसिड है, ये दो फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास ये कोई एमिनो एसिड है, तो एक तो ये है इसका फॉर्म और एक इसका ये वाला फॉर्म है COOH और ये NH2 और ये H और ये CH3। तो ये वाला जो है वो कैसा होगा अपने पास, डी होगा, कि अगर NH2 इस तरफ है तो, और ये वाला कैसा होगा, एल होगा। जितने भी अपने पास जो है वो नेचुरल प्रोटीन होते हैं वो सारे के सारे एल एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, ठीक है ना। तो भैया ये भी सही है, NH2 एंड COOH ग्रुप आर अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम इन अल्फा एमिनो एसिड। ये ही तो अल्फा है, देखो जरा ये फंक्शनल मेन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ अल्फा। तो भैया इसमें दोनों के दोनों जो एक ही कार्बन से जुड़े, इसने बोला डिफरेंट से जुड़े हैं ना, गलत है। तो फोर्थ वन इज इनकरेक्ट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने पास, स्ट्रक्चरली बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट शुड बी कंटेन। भैया बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट की बात कर रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, आपको खुद को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। कहां पर दिया हुआ है ये भी मैं बता देता हूं। तो अपने पास जो बायोमोलिक्यूल वाला है, ठीक है, तो उसमें लास्ट में डिटर्जेंट वाला सेक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले जो है वो आपको एनायनिक डिटर्जेंट, फिर कैटायनिक डिटर्जेंट, फिर नॉन आयनिक डिटर्जेंट। नॉन आयनिक डिटर्जेंट के सबसे नीचे जो है बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, जिसमें तीन या चार लाइनें लिखी हुई है, ठीक है ना। तो वो आप पढ़ लेना, तो उसी की लाइन है, वहीं से लाइन ली गई है कि भैया इसमें जो है वो क्या होता है अपने पास, ब्रांच्ड एल्काइल चेन इसमें होती है बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 17। यू गेट द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ COVID-19 After 6 hours, suddenly your body's temperature starts increasing. In this case, the drug which is used to normalize the temperature is called. ठीक है भैया, COVID-19 से बचने के लिए आपने जो पहला डोज खा लिया। अब डोज जब ली तो 6 घंटे बाद में आपके ताप में वृद्धि होने लगी, बुखार होने लगा, टेम्परेचर को नॉर्मल करना, तो किस प्रकार के ड्रग जो है वो आप लेंगे। तो भैया इस जो टेम्परेचर को कम करने का काम करती है, जो बुखार को कम करने का काम करती है, उन ड्रग को क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक बोलते हैं। तो एंटीपायरेटिक ड्रग आपको लेनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। अमंग द ऑप्शंस गिवन बिलो विच इज नॉट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अच्छा भैया देखो, थर्मोसेटिंग जो है वो कौन सा नहीं होता है इनमें से, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग है। बेकेलाइट जो है वो कहाँ काम में आता है भैया, बेकेलाइट जो है बेसिकली थर्मोसेटिंग का मतलब है, इनको हम एक बार बना दिए और बार बार इनको, जैसे हम नॉर्मली पॉलीथीन की बात करते हैं, नॉर्मल प्लास्टिक की बात करते हैं। पॉलीथीन दो तरीके की होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जिसको हम डेली लाइफ में प्लास्टिक बोलते हैं ना, वो बेसिकली हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है, ठीक है। तो बेकेलाइट है, जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन है या लो डेंसिटी पॉलीथीन है, तो इन सबको हम वापस से रीयूज कर सकते हैं। एक बार जो काम में लेने के बाद इनको पिघला कर दोबारा काम में ले सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होते हैं ना, ये जो है वो इनको हम रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार जो है जल गया तो जल गया। जैसे जो है वो अपने स्विच बोर्ड वगैरह जो होते हैं,
एक बार स्विच जल गया तो जल गया, उसको भंगार वाला भी नहीं लेगा बाद में, ठीक है ना, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं होता है। तो भैया बेकेलाइट जो है ये एक थर्मोसेटिंग है। फिर जो है वो अपने पास मेलामाइन, भैया मेलामाइन जो है वो कहाँ पर काम में आता है, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज बनाने के काम में आता है। जो अपन शादी ब्याह में जो है प्लेटें जो होती है ना, बेसिकली वो मेलामाइन की बनी होती है। एक बार टूट गया तो टूट गया भैया, दोबारा पिघला के उसको काम में नहीं ले सकते। तो ये भी जो है वो अपने पास मेलामाइन होता है। सिलिकॉन्स, ये सारे के सारे जितने भी सिलिकॉन्स होते हैं अपने पास, ये सारे के सारे भी जो है वो थर्मोसेटिंग होते हैं। टेरिलीन जो है ना, टेरिलीन या डेक्रोन, ये जो है वो एक फाइबर होता है, ठीक है ना। तो ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अपने पास नहीं है। नेक्स्ट केस में जो है वो अपने पास टेरिलीन इज, अगेन वही पूछ लिया भैया टेरिलीन कैसा है, तो टेरिलीन जो है वो एक फाइबर है, ये तो मेरे को साफ दिख गया। सेमी सिंथेटिक ना, सिंथेटिक है, हाँ सेमी सिंथेटिक नहीं है। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है, एक तो सिंथेटिक, एक सेमी सिंथेटिक, एक नेचुरल। तो जो भी नेचुरल पॉलीमर होते हैं उनको क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम उनको क्या करते हैं, लैब में ट्रीट करते हैं। हाँ, जैसे रबर, नेचुरल रबर को जो है सिंथेटिक रबर में बदला जाता है, वो एक तरीके से उसको सेमी सिंथेटिक बोल सकते हो आप। गन कॉटन, सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये सारे के सारे जो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है। फिर जो है वो अगर मैं देखूँ तो इसमें ये अपने पास जो है वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, बिल्कुल भैया टेरिलीन जो है वो स्टेप ग्रोथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है। एक तो टेरिलीन फ्री रेडिकल से नहीं बनता, कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म से बनता है, तो स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म, ठीक है भैया। फिर जो है वो लीनियर, बिल्कुल ये लीनियर पॉलीमर है, फाइबर जो है ना, फाइबर जो होंगे वो बेसिकली लीनियर पॉलीमर ही होते हैं, ठीक है। फिर थर्मोप्लास्टिक, ये अभी मैंने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। होमोपॉलीमर नहीं है, ये एक जो है वो अपने पास कोपॉलीमर है, दो अलग अलग यूनिट होती है, ठीक है ना। टर्थेलिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डायमिन और टर्थेलिक एसिड, मतलब एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड जो है वो टेरिलीन बनाते हैं, तो ये जो है वो एक कोपॉलीमर है, नेटवर्क पॉलीमर ये नहीं है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो होता है, बेकेलाइट जो होता है, वो एक नेटवर्क पॉलीमर होता है। तो भैया कौन कौन सा हो गया इसमें, एक तो सेकंड हो गया, एक थर्ड हो गया, एक फोर्थ हो गया, एक जो है वो कौन सा सिक्स्थ हो गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट, ठीक है। तो ये भैया पॉलीमर का क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है भैया, क्लासिफिकेशन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, या तो नॉर्मल पॉलीमर से क्वेश्चन पूछेगा तो मोनोमर यूनिट पूछेगा, तो मोनोमर यूनिट तो आपने अच्छे से घोट रखी होगी, लेकिन भैया इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो है वो आपको बोल रहा है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन ऑफ जिगलर्स प्रोसेस यूजिंग इथाइलीन, द टेम्परेचर फॉर प्रॉपर पॉलीमराइजेशन रिक्वायर्ड इज, ओके भैया टेम्परेचर आपको पूछा है कितना होना चाहिए। जिगलर प्रोसेस जो है ना, उसमें जो है वो टेम्परेचर होता है भैया 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको याद हो, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, आप देखना टेम्परेचर उसमें अच्छे से लिखा हुआ मेंशन है। जिगलर प्रोसेस जहां हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाई जाती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, O2 काम में लेते हैं, डाइऑक्सीन काम में लेते हैं, और दोनों की कंडीशन जो है वो वहाँ पर लिखी हुई है। तो इसमें भी आपको केवल याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, O-2 और S-2 फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक बिकॉज, ओके मोर स्टेबिलिटी ऑफ O-2 और S-2। भैया ये एंडोथर्मिक क्यों होता है, आप देखना जरा, एक चीज आपको पता होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब ये क्या होता है कि भैया जब भी हम किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, कोई भी अपने पास गैसियस एटम है मान लो एक्स, ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या करोगे आप, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो जितनी हीट रिलीज होगी है ना, या जितनी हीट इसमें इन्वॉल्व होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी ईए बोलते हैं। अगर आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, ठीक है, तो इसको बोलूंगा ईए फर्स्ट, और ईए फर्स्ट आपको पता है ऑलवेज हमेशा कैसी होती है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है, ये हमेशा एक्सोथर्मिक नेचर की होती है ईए फर्स्ट, यानी हीट रिलीज हो, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे हीट रिलीज होगी। लेकिन अगर आप इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, x माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने गए, तो इस स्थिति में क्या करेगा, यहां पर पहले भी इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा ना, तो ये वाला इसको क्या करने लग जाएगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा, और इसी रिपल्शन की वजह से क्या होगा, वैसे तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन यहां पर जो रिपल्शन है ना, वो रिलीज एनर्जी को ओवरवेट कर जाएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो रिलीज एनर्जी से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दुनिया में जब जब रिपल्शन होता है एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, ठीक है ना। तो भैया एनर्जी रिलीज तो होना चाहती है, लेकिन यहां पर रिपल्शन की वजह से जो है वो इसको क्या कर जाएगा, ओवरवेट कर जाएगा, और एक्स माइनस टू का फॉर्मेशन ओवरऑल कैसा हो जाएगा भैया, एंडोथर्मिक हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा,
ठीक है, यानी कि पहले वाले में जो एनर्जी यहां पर तो रिलीज हो गई, लेकिन सेकंड वाला जब ऐड किया तो रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये वाला रिलीज एनर्जी जो है ना वो इसके सामने क्या हो गई, कम हो गई, तो एब्जॉर्ब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो ओवरऑल जो मामला कैसा चला जाएगा, एंडोथर्मिक चला जाएगा, ये तो है इसका रीजन। तो अब मोर एनर्जी गेन ड्यू टू कपलिंग, ना कपलिंग की वजह से ज्यादा एनर्जी गेन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आउटवेट द एनर्जी गेन ड्यू टू द कपलिंग, ये अपना जो है इसमें सही ऑप्शन होगा। तो भैया ये है क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl, NaBr, NaI और NaF विल बी इन ऑर्डर। भैया देखो मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो हम बेसिकली डिपेंड करते हैं पैकिंग ऑफ आयंस। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आयंस की पैकिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप एक चीज देखना कि एक तो अपने पास है NaF, एक है NaCl, एक है NaBr और एक है अपने पास NaI, ठीक है। ये अपने पास जो है वो हैलाइड है, ठीक है, सोडियम की। अब इनमें आपको पता है कि जो भी अपने पास बेसिकली आप देखोगे कि एस ब्लॉक मेटल्स जो होती है उनका साइज जो है वो रिस्पेक्टिवली क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर सोडियम केटाइन का साइज बड़ा है, एनाइन जो है वो मतलब केटाइन का साइज तो इन सब में क्या है, एक तरीके से कॉन्स्टेंट है, ये पैकिंग पर डिपेंड करता है। तो केटाइन का साइज तो सब में कांस्टेंट है, ये मान लो ये अपने पास केटाइन का साइज है सब में, ठीक है, और केटाइन का साइज तो ठीक है। और फिर एनायन का साइज जो है ना, एनायन का साइज यहाँ पर बेसिकली फ्लोरीन जो है इसका साइज क्या है, इसका साइज छोटा है। फिर जो है वो आप देखोगे तो ब्रोमीन का साइज जो है फ्लोरीन से क्या हो गया, बढ़ गया, ये फ्लोरीन का साइज, ब्रोमीन का साइज थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, ये मतलब क्लोरीन का और बढ़ गया, ब्रोमीन का और बढ़ गया, और आयोडीन का जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारे पास जो कंडीशन ऐसी आएगी आयोडीन के केस, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो मॉलिक्यूल के साइज के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और डिफरेंस बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो पैकिंग है ना वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, और पैकिंग लूज होने की वजह से जो अपने पास मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा ना वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। आई होप आपने क्वेश्चन को ठीक से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फॉर ए पी ब्लॉक एलिमेंट इट्स 3d 3s 3p एंड 4s ऑर्बिटल्स और कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, ये जितने भी इसके 4s ऑर्बिटल है ये सारे के सारे जो है वो पूरे कंप्लीटली फिल्ड है, पूरे भरे हुए हैं। अब आपको बोल रहा है द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू 4p ऑर्बिटल, बाकी के जितने भी है ना वो 4p में चले गए। द एलिमेंट शुड हैव इट्स एटॉमिक नंबर इन द रेंज, तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, देखना चाहिए कि भैया देखो कि 4s तक के इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे भरे हुए हैं, 4s के बाद में आपको पता 4s के बाद में जो है वो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 3d में, तो 3d तक के इलेक्ट्रॉन सारे भरे हुए हैं, और 3d कंप्लीट होता है अपन जो है वो जब करेंगे 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 फिर जो है वो अपने पास 4s2 3d 10। तो यहां तक जो है वो मामला फुलफिल चल रहा है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक कितने हो गए भैया, 30 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 4p में बाकी के जो इलेक्ट्रॉन गए ना वो कहां चले गए, 4p में, तो 3d के बाद में 4p आएगा। तो अब बोल रहा है एटॉमिक जो इसका नंबर है वो किस रेंज में हो सकता है, तो p में जो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 31 से लेके 36 तक के जितने भी अपने पास एटम होंगे, एलिमेंट होंगे, उन सब में इलेक्ट्रॉन जो है वो 4p में जाएगा, तो 31 से 36 की रेंज में हो सकता है। तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि ए मेटल एक्स ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन, तो कोई मेटल है एक्स, इसको नाइट्रोजन के साथ हीट किया तो अपने पास बना क्या, वाई। फिर आगे आपको बोल रहा है कि वाई ऑन ट्रीटमेंट विद H2O, कि भैया वाई का आपने ट्रीटमेंट किया किसके साथ, H2O के साथ, ठीक है, कि वाई को आपने H2O के साथ ट्रीट किया, तो इस कंडीशन में आपको बोल रहा है कि एक कलरलेस गैस बनी, कलरलेस गैस, ठीक है। फिर आपको ये बोल रहा है कि विच वेन पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन गिव्स ए ब्लू कलर, भैया देखो कि एक कलरलेस गैस जो कि CuSO4 सॉल्यूशन को ब्लू कलर में कन्वर्ट करती है, तो ये अपने पास होती है अमोनिया। तो अमोनिया जो है ना ये CuSO4 को ब्लू कलर में कन्वर्ट करती है, होता क्या है कि अमोनिया CuSO4 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, और कॉम्प्लेक्स अपने पास होता है CuNH3O4 और ये +2, इसको हम स्विट्जर रिएजेंट भी बोलते हैं, स्विट्जर रिएजेंट, और इसी की वजह से जो है वो ब्लू कलर आता है, ठीक है, इसी की वजह से जो है ब्लू कलर आता है। इसका मतलब ये है कि यहां से
यहां से जो अपने पास गैस बन रही है वो कौन सी है? अमोनिया। यानी कि वाई कोई एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो H2O के साथ रिएक्शन करके अमोनिया दे, ठीक है। तो भैया ये जो है आप देखोगे, भैया ये देखो कि वाई ये तो हो ही नहीं सकता, वाई यहां पर अमोनिया हो तो H2O में तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये संभव नहीं है, इसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो नाइट्रोजन यहीं पर बाहर हो जाएगी, ठीक है ना, N2O के फॉर्म में, तो यहाँ पर जो है वो ये भी नहीं होगा। और फिर अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट और अगर इन दोनों में से बात करें तो भैया ये वाला कंपाउंड जो है वो बेसिकली इन सब प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कैसे कि भैया एक्स मान लो मेटल जो है, क्योंकि ऑप्शन में अपने पास मैग्नीशियम है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ऑप्शन में केवल मैग्नीशियम है, तो मेटल एक्स मैग्नीशियम होगी, और इसको अगर आप नाइट्रोजन में हीट करोगे ना तो अपने पास क्या बनेगा, Mg3N2 ही बनेगा, ठीक है। कि मैग्नीशियम को नाइट्रोजन में हीट करोगे तो यही बनता है। तो भैया बेसिकली जो है वो अपने पास वाई क्या हो गया, Mg3N2, ये अपने पास जो है वो इसका आंसर होगा। तो आई होप क्वेश्चन आपने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास ये है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इन एडिशन टू वाटर आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ Na2CO3। भैया साल्वे प्रोसेस जो कि सोडियम कार्बोनेट के मैन्युफैक्चर के लिए काम में आता है, ठीक है। अब इसमें जो है वो रॉ मटेरियल हम क्या क्या काम में लेते हैं, ठीक है, आपको ये पूछा है। तो इसमें जो है वो रॉ मटेरियल बहुत ही सीधा सा काम है भैया, इसमें एक तो NaCl होता है, एक इसमें जो है वो अपने पास बेसिकली CO2 होती है, और साथ में जो है वो हम क्या लेते हैं, अमोनिया लेते हैं। तो ये इसमें जो है वो रॉ मटेरियल होते हैं, और खास बात इसकी ये होती है कि इस प्रोसेस में लास्ट में अमोनिया जो है, अच्छा ये सारे के सारे जो है वाटर में मिलाए जाते हैं, H2O में मिलाए जाते हैं, रिएक्शंस वगैरह आप देख लेना, बताने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है वो अमोनिया लास्ट में वापस से रिकवर हो जाते हैं, जिसको हम वापस से रॉ मटेरियल को फॉर्म में काम में ले सकते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट, ठीक है। तो ये अपना हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 26। तो 27 आपको बोल रहा है कि 1 mole of substance X was treated with an excess of water, 2 mole of readily combustible gas were produced along with CO2 gas produced a white turbidity, ठीक है भैया। देखना कि आपको ये बोल रहा है कि कोई सब्सटेंस X है, इसकी रिएक्शन जो है वो आपने इसको पानी में खोला, ठीक है, और एक्सेस ऑफ वाटर है, इसका जो है वो 1 mole लिया है, तो 1 mole लेने पर आपको क्या बना कि भैया 2 mole बना, एक गैस बनी जो कि जो है बहुत ही तेजी के साथ जलती है, ठीक है ना। तो तेजी के साथ जलने वाली गैस के, मान लो गैस कुछ भी है, इसके जो है वो 2 mole आपको मिले, और इसके साथ ही एक कोई कंपाउंड बना, ठीक है, मान लो वाई है, और ये वाला वाई जो है ना, इसमें अगर आप क्या करते हो CO2 पास करवाते हो तो इसमें जो है आपको वाइट टर्बिडिटी मिलती है, वाइट टर्बिडिटी, ठीक है। अब एक ही कंपाउंड ऐसा होता है जिसकी वाइट टर्बिडिटी आती है CO2 के साथ, और वो आपको पता है CaOH2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब रिएक्शन करवाते हो तो CaCO3 का पहले वाइट टर्बिडिटी बनती है, ठीक है। आप ज्यादा टाइम तक पास करवाओगे तो ये टर्बिडिटी गायब हो जाएगी, क्योंकि वापस से जो है वो रिएक्शन पीछे की तरफ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारा अपने पास ओवरऑल रिएक्शन है, इसका मतलब अपने पास वाई जो है वो CaCO3 है, और वाई को CaCO3 करने के लिए, और ये जो है वो अपने पास कोई रैपिडली जल्दी से जलने वाली गैस है। तो देखना जरा कि केवल अगर कैल्शियम लूंगा तो कैल्शियम जो है वो H2O में रिएक्शन करेगा तो ये तो बन जाएगा, लेकिन गैस जो है वो जल्दी से नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये केवल कैल्शियम तो हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, और ये वाला जो है वो भी नहीं होगा, क्योंकि कमर्शियबल गैस भी बननी चाहिए साथ में। तो CaOH2 जिसको हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, तो CaH2 इसको अगर आप पानी में मिलाओगे ना तो हमारे पास जो है वो एक तो बनेगा भैया CaOH2, और साथ में जो है तेजी से हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो कि एक कंबशनेबल गैस भी है। तो ये वाला कंपाउंड जो है इन सारी शर्तों को मान रहा है, इसलिए अपना आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर सेकंड होगा। तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर अपने पास, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन हेयर कंडीशनर। भैया देखो ये NCERT की लाइन है कि हेयर कंडीशनर कौन सा काम में लेते हैं, तो एनायनिक डिटर्जेंट जो होते हैं इनको हम नॉर्मली जितने भी अपने पास साबुन वगैरह है, ये सारे के सारे एक तरीके से साबुन है, या नॉर्मल हम जो डिटर्जेंट काम में लेते हैं वो एनायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट भैया NCERT की लाइन है, थोड़े से महंगे होते हैं, तो इनको जो है वो हाई जो अच्छी चीज़ें हैं जैसे शैम्पू वगैरह या हेयर कंडीशनर में हम उनको काम में लेते हैं। नॉन आयनिक डिटर्जेंट को हम काम में लेते हैं जो डिश वॉश करने के जो लिक्विड होते हैं उनको बनाने, बर्तन धोने के जो लिक्विड होते हैं उनको बनाने के काम में लेते हैं। सोडियम सिलिकेट और बोरेक्स ये तो जो है वो बेसिकली एक
आप बोल सकते हो कि साबुन में मिलाया जाता है, या बोरेक्स जो होता है वो आंखों के लिए एंटीसेप्टिक का काम करता है, तो ये वो चीजें हैं। तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी की लाइन जो है वो याद रखनी ही पड़ेगी। 29 आपको बोल रहा है, इन बोर सीरीज ऑफ लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड कॉरेस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटर ऑर्बिट जंप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोर ऑर्बिट इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। भैया ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखना, आपको ये बोल रहा है कि भैया बोहर सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो बोहर स्पेक्ट्रम की बात ये कर रहा है, द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड, या रेड एंड की बात कर रहा है, इसका मतलब रेड जो है वो विजिबल रीजन में आता है, और विजिबल रीजन में अगर ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कहीं ना कहीं विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन जो है वो यहाँ से चालू होगा, ये लाइमन ये बामन, ठीक है, तो ये इसी में जो है वो थर्ड लाइन, मतलब आपको जो है वो ये बोल रहा है कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो लाल कलर का फोटोन जो है वो रिलीज कर रहा है, लाल कलर का फोटोन एमिट कर रहा है। तो टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर ऑर्बिट जंप्स, जंप का मतलब ऊपर से नीचे आएगा, तो अगर इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें नीचे से ऊपर जा रहा हो तो खत्म ही हो गया, ठीक है, और ऊपर से नीचे आएगा और कहां पर आएगा, दूसरे में आएगा, क्योंकि लाल कलर का फोटोन आपको तभी मिलेगा जब वो दूसरे में आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 5 से 2 में आ रहा है, ये ऑप्शन पॉसिबल है, 2 से 5 में, यहां से नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये नहीं है, यहां तो फोटोन एब्जॉर्ब होगा। 3 से 2 में आ रहा है, ये भी पॉसिबल है, 4 से 1 में, ना 4 से 1 में आएगा तो रेड कलर का फोटोन जो है वो नहीं दिखेगा, या तो 3 से 2 में आएगा या 5 से 2 में आएगा। अब देखना जरा कि 3 से 2 में आया, रेड कलर का फोटो निकला, 5 से 2 में आया, तो भैया 5 से 2 में जो है वो ऐसे आ सकता है, ठीक है, 5 से 2 में जो है वो एक एक स्टेप करके ऐसे भी आ सकता है, या 5 से 2 में पहले यहां पर आ गया, फिर जो यहां पर आ गया, या फिर 5 से 2 में यहां से यहां पर, कई तरीके हैं 5 से 2 में आने के। अब इसने क्या बोला कि जो रेड कलर का फोटो है, ध्यान से देखना कि थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड, ठीक है, यानी रेड कलर का फोटोन जो है वो तीसरे स्टेप में रिलीज होता है, तीसरे स्टेप में रिलीज होता है, तो इसका मतलब अगर आप ये आंसर करते हो तो इसमें रेड कलर का फोटोन जो है पहले स्टेप में रिलीज हो गया, तो इसका मतलब यह है कि देखो जरा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, पहले यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, तो थर्ड स्टेप में, थर्ड लाइन में, तीसरे, थर्ड लाइन का जो फोटोन है ना वो रेड कलर के फोटोन के कॉरेस्पॉन्ड है, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा, 5 to 2 होगा, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को ठीक से समझा होगा, कहीं होगा गलत भी हुआ होगा, क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, तो भैया ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, डीएनए में साइटोसिन होता है, थाइमिन भी होता है, एडेनिन भी होता है, इसका डीएनए से कोई लेना देना नहीं होता, क्विनोलिन का, ठीक है। तो ये थे सारे क्वेश्चन, और सारे हमने देख लिए एक एक करके, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जितने भी अपने पास 4 ऑप्शन वाले। अब इंटीजर की बात आते हैं, इंटीजर जो है वो पहला है, स्टार्टिंग विथ 3 डिफरेंट एमिनो एसिड मॉलिक्यूल हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइपेप्टाइड मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। ट्राइपेप्टाइड का मतलब है कि भैया बेसिकली जो है वो उसमें 3 एमिनो एसिड है, मान लो ए बी सी है, ठीक है, तो ए बी सी है, तो आपको जो है वो क्या करना है, इनसे ट्राइपेप्टाइड मॉलिक्यूल बनाने हैं। तो देखिएगा, तो अपने पास 3 एमिनो एसिड है ए बी सी, और ट्राइपेप्टाइड हमें बनाना है, तो एक तो मान लो ये वाली सीक्वेंस ही हो गई, तीनों एमिनो एसिड जो है वो इस सीक्वेंस में अरेंज हो गए ए बी सी, दूसरा जो है ये हो सकता है भाई ए सी बी, एक ये भी ट्राइपेप्टाइड अपने पास बन सकता है ना, मतलब तीनों एमिनो एसिड को जोड़कर आपको जो है वो पूरा एक पेप्टाइड बनाना है, ट्राइपेप्टाइड बनाना है। तीसरा जो है वो अपने पास ये भी हो सकता है भैया सी ए बी, ठीक है, एक ये भी हो सकता है अपने पास, ठीक है, तो 3 तो ये बन गए, और फिर जो है वो अपने पास, अपन ने पहले नंबर पे किसको रखा है भैया, अभी ए को रखा है, यहाँ ए को रखा है, यहाँ सी को रखा है, ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं भैया, इसको घुमा के बी ए सी कर दूं, ठीक है, या इसको जो है वो मैं ऐसा कर दूं भैया ए, ठीक है, इसको घुमा के सेकंड को, ये क्या आया भैया बी ए सी, और इसको जो है वो घुमा के बी सी ए कर दूं, या इसको घुमा के जो है वो मैं, इसको जो है वो अगर मैं क्या कर दूं भैया, घुमा के सी बी ए कर दूं, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ पर देखो, पहले नंबर पे कौन है, ए ए सी, यहाँ पर बी बी सी, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में सेकंड वाले में डिफरेंस आ गया,
इन दोनों में जो है वो अपने पास पहला वाला सेम है तो सेकंड वाला मतलब पहला वाला डिफरेंट है, और यहाँ पर जो है इन दोनों में आप देखो कि सेकंड वाला डिफरेंट है, इन दोनों में भी सेकंड वाला डिफरेंट आ गया। तो इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन यहाँ से नहीं बन सकता। तो टोटल जो है वो 6 तरीके के आपको यहाँ से ट्राइपेप्टाइड मिल सकते हैं। ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। PHBB इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर व्हाट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द मोनोमर यूनिट ऑफ PHBB। भैया देखो PHBB ठीक है, यहाँ पर B का मतलब जो होता है वो होता है ब्यूटायरिक एसिड से, ब्यूटायरिक एसिड ठीक है, और V का मतलब जो होता है वो होता है वैलेरिक एसिड से, वैलेरिक एसिड ठीक है, और वैलर का मतलब होता है भैया यहाँ पर तो होंगे 5 कार्बन और यहाँ पर जो है वो अपने पास होंगे 4 कार्बन। तो आपको यही पूछ रखा है कि भैया इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे दोनों में मिलाकर, तो कितने हो जाएंगे भैया 9 कार्बन हो जाएंगे ठीक है ना। तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 फ्यूजन मिक्सचर। तो भैया फ्यूजन मिक्सचर जो है वो सिंपल सा आपको याद रखना पड़ेगा, Na2CO3 प्लस K2CO3 का जो मिक्सचर होता है इसको हम फ्यूजन मिक्सचर बोलते हैं, और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के काम में आता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ठीक है, लाइसिस के काम में आता है ठीक है ना। और अगर आप देखोगे तो N की वैल्यू जो है यहाँ से कितनी निकल के आती है, 2 निकल के आती है, तो याद ही रखना पड़ेगा, कोई कंसेप्चुअल चीज इसमें नहीं है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन 4F ऑर्बिटल ऑफ गैडोलीनियम। तो भैया GD जो है वो 64 नंबर पे आता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है, ये N प्लस L रूल को फॉलो जो है वो नहीं करता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अपने पास ये होता है ज़ीनॉन ठीक है, क्योंकि ज़ीनॉन इसके सबसे पास वाली क्या होती है, इनर्ट गैस होती है, 4F7 ठीक है, 5D1 और फिर अपने पास जो है वो 6S2 ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है। तो ओवरऑल जो है वो अपने पास आप देखोगे कि F में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो ये जो है वो अपने पास 7 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर अपने पास 4। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अपने पास, हीट ऑफ कम्बशन ऑफ बेंजीन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए बोम कैलोरीमीटर। भैया देखो बोम कैलोरीमीटर में जब भी हम हीट ऑफ कम्बशन निकालते हैं तो वो हमेशा 1 मोल के लिए आती है, तो यानी कि आपको 1 मोल का कम्बशन करवाना है C6H6 और 100 डिग्री पर है तो ये गैसीय स्टेट में रहेगा, O2 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो ये जो है वो अपने पास क्या क्या बनेगा भैया, 6 तो CO2 बनेगा गैस, और साथ में जो है वो क्योंकि 100 है तो 3H2O और ये क्या बनेगा, गैस बनेगा। रिएक्शन को मैं बैलेंस कर देता हूँ तो 15/2 यहाँ पर आएगा, ये अपने पास बैलेंस रिएक्शन हो ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ Δh - Δu / 373। तो भैया रिलेशन अपने पास किसी भी रिएक्शन के लिए होता है Δh = Δu + Δ(NgRT), तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये आ जाएगा Δ(NgRT) के इक्वल। टेम्परेचर जो है वो 100 दे रखा है यानी 373 दिया है, टेम्परेचर को इधर ले आओ तो Δh - Δu / 373 ये आ जाएगा अपने पास Δ(NgR) के इक्वल। अब इस रिएक्शन के लिए Δng निकालूंगा, तो Δng क्या होता है, टोटल स्टोइकोमेट्री ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल स्टोइकोमेट्री ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो ये तो आ जाएगा 9 और इधर कितना आ जाएगा 15/2 + 1, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 17/2, तो ये ओवरऑल कितना आ गया भैया, ये आ गया मेरे पास 1/2 ठीक है। तो Δng की वैल्यू है कितनी, 1/2। आर की कौन सी वैल्यू कहां मिली, तो आप देखना जरा यूनिट देखना, कैलोरी में यूनिट आपको दे रखी है, तो आर की कैलोरी में यूनिट कितनी, 2, ये हुआ कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ठीक है। तो ये था अपना पेपर, आई होप आपने पेपर को अच्छे से किया होगा ठीक है। फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो वो आप जो है वो भेजे, CLC आपके लिए हमेशा तैयार है। थैंक यू।